संविधान से इसको सींचा और उस पार्टी को छोड़ के एक नई पार्टी में आप शामिल हो? हमने 18 तारीख को ही हम पोस्ट कर दिया थोड़ा सा। जो पार्टी का जो स्थिति है, जो हम लोग बड़ा खून पसीना बहा के हम लोग पार्टी संगठन को बनाया और उस जगह में हमारा जो भी हमारा साथ राजनीतिक कार्यक्रम हुआ उस पार्टी के अंदर, हमने उसको बोल चुका है कि अभी ऐसा पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है जहाँ पर अपना पीड़ा को हम रख सकते हैं। इसीलिए हम वहाँ से निकला, अकेला निकला। हम बोला उस पार्टी का संगठन को नहीं तोड़ेंगे, बनाया हम। कभी हम सोचा था हम सन्यासी हो जाएंगे, राजनीति छोड़ दूंगा। कभी सोचा हम संगठन नया बनाएंगे। कभी ये भी सोचा कि हम रास्ता में कोई अच्छा साथी मिलेगा तो हम झारखंड के लिए हम सक्रिय रूप से राजनीति फिर से करूंगा। इसीलिए हमको साथी मिल गया, बड़ा दल मिल गया देश के अंदर और भारतीय जनता पार्टी में आज हम सदस्य ग्रहण करेंगे। और वहाँ से झारखंड के लिए जो लड़ाई हम पहले जैसे लड़ाई लड़े थे, हम जो बड़ा जलन मुद्दा है आदिवासी का अस्तित्व का जो संकट पैदा हुआ, हम देखा कि दूसरा दल से हम इस बात को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को हम चुना और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विश्वास एवं गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर विश्वास में रहा कि झारखंड को विकास भी करना है, यहाँ का आदिवासी के अस्तित्व को बचाना है, मूलवासी के अस्तित्व को बचाना है। झारखंड को ये बड़ा धनी प्रदेश है, उस प्रदेश को हमने अच्छा से संवारेंगे, ये मेरा मन में आया बड़ा चिंतन मंथन करने के बाद। इसलिए आज हम पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य ग्रहण करने जा रहे हैं। दादा रामदास सोरेन आपके साथ ही भी रहे हैं, आज 12वें मंत्री के रूप में राजभवन में शपथ ली है, क्या कुल्हान में आपके मतलब भरपाई कर पाएंगे जो जिम्मे में आप? हमने पहले कहा कि हम उस संगठन को बनाए, उस संगठन के किसी को हम नहीं लेंगे, हम अकेला निकले हैं हम, इसीलिए उससे कोई टिकट नहीं करेंगे। अच्छा एक और सवाल दादा, लोबिन दा आपके साथ में थे कहीं ना कहीं जब तो आपसे मिले भी थे, आज के बाद से फिर आप लोग देखते रहिए ना, आज ये सब कुछ क्लियर नहीं होगा, ये देखते रहिए। नहीं उन्होंने कहा था कि आपके साथ में वो भी बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, क्या कहे अभी हमको नहीं पता है, लेकिन आप लोग देखते रहिए आपके पास। मतलब आप मान रहे हैं कि लोबिन दा बीजेपी में आ सकते? नहीं आप देखते रहिए, हम उसको कैसे बोलेंगे, आप लोग जो हमारा अभी सोचिए हम आप लोग को बता दिया। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी या पार्टी ज्वाइन? हम दल के अंदर जाने के बाद दल का कुछ रणनीति है? नहीं, दो भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य ग्रहण करें, हमको फिर किस तरह का काम देंगे, किस क्षेत्र में काम देंगे, प्रदेश में काम देंगे कि किस क्षेत्र में काम देंगे, उसी अनुसार ना काम करेंगे हम। दादा एक और सवाल है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आपने फेसबुक में लिखा था, ट्विटर में भी लिखा था, वाकई में ये समस्या है। हमने जलन मुद्दा तो वही है कि बांग्लादेशी घुसपैठी, उसको कैसे रुकना है, जो आदिवासी का अस्तित्व तो खतरा में आ गया है, दूसरा पार्टी से ये बात को हम नहीं उठा सकते हैं। हमने समझा इस दल में से ही हम उस बात को उठा सकते हैं और आदिवासी को हम बचा सकते हैं।